और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भूमि गाइडलाइन दरों में 44% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट में निर्णय लिया गया था। इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 31 मार्च 2022 तक छूट का लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि प्रदेश में नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30% के स्थान पर 10% की छूट में वृद्धि करते हुए 40% किया जाएगा। इसके साथ ही पंजीयन शुल्क की दर 4% से बढ़ाकर 5% की जाएगी। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। और हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है। सर बड़ा सवाल आपसे ये पूछूंगा कि इस नीति का, इस राहत का कितना फायदा लोगों को मिल सकेगा, क्योंकि बड़ा फैसला जो है वो सरकार का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं जो अपना आवास बनाना चाहते हैं, लेकिन महंगी दरों की, जमीन की जो महंगी दरें हैं उसके चलते वो जमीन खरीदने में उनको परेशानी होती है। इसके अलावा जो रियल इस्टेट का सेक्टर है वो पिछले कुछ सालों से बैठा हुआ है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है कि हर एक शहर में अलग अलग कलेक्टेड गाइडलाइन के मुताबिक जमीन की दरें तय होती है और उसी दर के हिसाब से रजिस्ट्री की जाती है। तो इस फैसले से जहां 40% की कटौती की गई है कलेक्टेड गाइडलाइन की जो दरें हैं जमीन की, उसमें कटौती करने से जमीन की कीमत सस्ती होगी और दूसरी ओर जो रजिस्ट्री शुल्क है उसमें 1% की बढ़ोतरी की गई है, तो उससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को सस्ते दर पर जमीन भी मिलेगी। तो इससे जो है हाउसिंग सेक्टर में एक उछाल आएगा और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको काफी राहत देने वाला ये निर्णय है। एक लंबा प्रयास यहाँ पर सरकार इस विषय में कर रही थी, इस विषय को लागू करने के लिए कर रही थी, एक लंबा वक्त लग गया, क्या आप इसे मानते हैं? नहीं, देखिए सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने इस दिशा में कई काम किए थे। जैसे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने एक लिमिट तय कर रखा था कि केवल 5000 स्क्वायर फीट जमीन या उससे ऊपर की जमीन की रजिस्ट्री होगी। इसके बाद इससे क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे टुकड़े जमीन के लेके जो मकान बनाते हैं ऐसे लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, तो उस फैसले को बदला था और आते ही उस लिमिट को खत्म किया था कि कोई भी छोटा सा छोटा टुकड़ा यदि आप जमीन की खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी। एक बार और 2 साल पहले जो है भूमि की दरों में कमी की गई थी, उससे हाउसिंग सेक्टर में उछाल आया था। और जिस तरह से कोविड के दौरान एक मंदी की स्थिति आई थी खासतौर पर रियल इस्टेट सेक्टर में, उसको देखते हुए ये विचार विमर्श मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ था और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि एक बार फिर 40% की कटौती करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो आवास बनाने का सपना देख रहे हैं उन लोगों का सपना साकार हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर विस्तार से खबर को समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए।